Hello viewers, this is the ASCII format of picture which you can run in command prompt. So how you can run this, I will tell you step by step. So this is the ASCII picture which you can run in command prompt. It's already running. टेक्नोलॉजीज के द्वारा बनाया गया ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और आप कमांड प्रॉम्प्ट में इसको रन कर सकते हैं और इट्स अमेजिंग एंड क्यूट पिक्चर विच यू कैन रन इन कमांड प्रॉम्प्ट। दिस इज अ गैलेक्सी वॉर स्टार वॉर मूवी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टेप। देखिए आपने उसके ASCII करेक्टर यूज करके कितनी अच्छी मूवी बनाई है जो आप भी बना सकते हैं, आप भी देख सकते हैं कैसे टेलनेट की हेल्प से। तो अब इसको अगर बाहर निकलना है तो आपको कंट्रोल जे दबाना पड़ेगा, लेकिन मन नहीं कर रहा होगा ना क्योंकि बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन करा क्या जा सकता है। इसके बाहर आते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे रन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में टेलनेट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो टेलनेट को जब इंस्टॉल करिएगा आप, तो सबसे पहले स्टार्ट मेनू में जाइए, सेलेक्ट कंट्रोल पैनल करिए, चूज प्रोग्राम एंड फीचर्स करिए, क्लिक टर्न विंडो फीचर ऑन ऑफ करिए और टेलनेट को स्टार्ट करिए। कैसे करिएगा इसको हम बताते हैं आपको कि प्रोग्राम एंड विंडो एक्स करिए, प्रोग्राम एंड फीचर में जाइए, यहाँ पर आपका ये देगा टर्न विंडो फीचर ऑन ऑफ। यहाँ पर जाकर के आपको टेलनेट को ऑन करना है। हम ऑलरेडी ऑन कर चुके हैं, आप भी कर लीजिएगा। इसको जब ऑन कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको थोड़े से फीचर्स बता देते हैं कि टेलनेट में क्या क्या होता है। ए इज़ फॉर अटेम्प्ट ऑटोमेटिक लॉग ऑन, जैसे माइनस एल होता है, और ई इज़ फॉर एस्केप करेक्टर टू एंटर टेलनेट क्लाइंट प्रॉम्प्ट, फिर एफ से फाइल नेम फॉर क्लाइंट साइट लॉगिंग होगा, एल से स्पेसिफिक यूजर नेम टू लॉग इन होगा, और टी से स्पेसिफिक टर्मिनल टाइप होगा। होस्ट जिस कंप्यूटर से आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं और पोर्ट जिस कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसका पोर्ट लेगा। अब यहाँ पर आपको सीधे लिखना है टेलनेट, तो हम ऑलरेडी इसमें लिख चुके हैं ना, इसलिए वो ले नहीं रहा है। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसको फिर क्या करेंगे, प्रोग्राम में विंडो आर करेंगे। यहाँ पर विंडो आर करके यहाँ पर लिखेंगे CMD, एंटर करेंगे। अब CMD लिखने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी एक खुला हुआ है, तो आपको यहाँ पर ये वाला कमांड कॉपी करके पेस्ट करना है। तो बाहर निकलते हैं और उसके बाद टेलनेट लिखना है, फिर ओ लिखना है, हिट करना है तो टू आ जाएगा। उसके आगे टॉगल ब्लिंकिंग लाइट NL लिखना है। जब आप इतना करिएगा काम, हमने पूरा स्टेप आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप भूल भी जाइए या वीडियो को बार बार रन करके उसको कर लीजिए। और जब इंटरनेट स्लो होगा, इसके लिए ध्यान दीजिए कि इंटरनेट ऑन होना चाहिए, और अगर इंटरनेट स्लो होगा तो आपको उस मूवी को नहीं रन कर पाइएगा। तो चलते हैं इसको, और अगर ये पसंद आए आपको प्रोग्राम तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे सारे सोशल मीडिया को लिंक को जो डिस्क्रिप्शन में दिया है फॉलो कर लीजिएगा। और प्लीज़ रन करके सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये मूवी कैसे लगी। तो आप उसको रन करके देख सकते हैं अपने घर में कंप्यूटर पे प्रोग्राम के स्टेप्स को फॉलो करके। तो चलिए अब ये स्टेप्स जो आपके बचे थे इसको हम लोग करते हैं। विंडो प्लस आर दबाइए, यहाँ पर CMD लिखिए, यहाँ पर आने पर आपको ये कमांड कॉपी करके इसको वहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर जाएंगे
ऑलरेडी कई विंडो खुल गई है, इसको ऑफ बंद कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम करेगा। ये देखिए अभी भी मूवी चल रही है, तो ये आप पूरी मूवी आप देख सकते हैं। तो इसके लिए स्टेप जो हम बता रहे हैं वो आप देख लीजिए। विंडो आर करा, सीएमडी लिखा, अब यहाँ पर आपको ये वाला लिखना है, ये कॉपी करा, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे गए, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, तो टॉवल आ रहा है, टॉवल नहीं लिखना, टॉवल लिखेंगे तो फिर दूसरी मूवी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी किया और इसको उठा करके कमांड प्रॉम्प्ट पे, देखिए अभी भी चल रही है मूवी आपकी। इसको हम इसलिए ऑफ नहीं कर रहे हैं कि आप लोग बीच बीच में देख लीजिए। यहाँ पर वी किया, अब ये क्या करेगा, आपके टेलनेट की प्रोग्राम को चला देगा। यहाँ पे करा टेलनेट, टेलनेट करने के बाद आपको ओ दबाकर एंटर करना। देखिए टू कमांड आ गया, अब टू कमांड जैसे ही आता है उसके बाद आपको लिखना है टॉवल ब्लिंकन एनएल, कंट्रोल सी किया, यहाँ पर गए और आपका ये देखिए प्रोग्राम चल रहा है अभी भी। यहाँ पे गए और प्रेस वी किया, एंटर किया, तो क्योंकि आपका ऑलरेडी एक चल रहा है इसलिए ये वाला नहीं चलेगा सेम टर्मिनल पे, उसके लिए आपको दूसरे टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। तो ये सारे स्टेप जब आप फॉलो करिएगा तो आपकी ये मूवी देखिए चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरी मूवी देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर्स, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।